कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मथपटौवल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप इधर आप बोलिए, आप साक्षीर को सभापति महोदय, सच्चाई इनको सुनना नहीं है, आप ही का विषय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। किसी का, किसी भी माननीय अन्य सदस्य का बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, केवल आपकी रिकॉर्ड। हम इनको बता रहे हैं सभापति महोदय, जितना आप बैठिए, स्वागत राज जी बैठ जाए। नहीं जब आपको अवसर दूंगा तब आप बोलेंगे। आपको भी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज माननीय मंत्री। सभापति महोदय, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और पांचों साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं, यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास कर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इनको ड्यूरिंग एनी मिनिस्टर स्टेटमेंट या स्पीच, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लिख के भेज दें। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए। आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे, एक अगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया, मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा, सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है, अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात सरकार बचाने की कौन सी बात है? ये प्री पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है, आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं, गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं, सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए
आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है, आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। सभापति महोदय हम पर अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा विभाग आपको ये सब यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग, आप लोग यही काम करते रहे, आप चेयर पर गिद्ध के तरह कैसे नोचना है, ये सब नहीं होता है यहाँ, आराम करिए आप। महोदय अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वॉज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द प्लान पीपल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में, वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं, इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें, आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्षमा मांगते इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो ये जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। अभी इसी सदन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।